और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। सभापति का साथ ये बात सच है कि नहीं सच? अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अरे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? भाई लॉ भी चली जाएगी। हनुम राय के इतना नहीं जानते, इतनी इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब, ज्योतिबा फूले भी लगी हुआ और भी खड़े और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे, ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं, उपलब्धियां है नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते थे। लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगा भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है, कभी कभी तस्वीर तो आती है हमें डर लगता है उस तस्वीर को सही मानू कि बुरा मानू या गलत मानू। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म में कि वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी में बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार ने पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए, उस काम को ही आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ लेकिन लाख प्रयास के बाद वो बर्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हुआ। बताओ जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार ना हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव ना हो, जिन्हें पक्षियों से ना कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से
और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी वो खिचड़ी खा रही, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैंपू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैंपू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैंपू साबुन से या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि तो जानते थे कि गरीब है, हो सकता है दो दिन तीन दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है। इसीलिए साबुन और शैंपू भिजवाए थे। और बोर्ड के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी, कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं, कौन नहीं जानता ये बात। वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं, इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को, अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उससे जागरूक हो गए। केवल यही नहीं है, आप स्ट्रेटेजी देखिए, पहली सूची आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे आगे हम पिछड़ों को सीट दे रहे हैं, इस बार पिछड़े सब जागे हुए होंगे। अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उन्होंने जारी की है उसने सामाजिक न्याय का पूरा ख्याल रखा है। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर, और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए, वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय, केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा AKTU जो कलाम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई वो बता दें। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की, इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेजकर। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया उसी वही संविधान दोबारा करो जी, 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 जी। लखनऊ में रह के इतना नहीं जानते, इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब, दो जगह फूले भी लगी हुआ और माननीय काशीनाथ जी खड़े।
तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। ठाकुर ये कह रहे हैं अब आपने बाहर से, अब आपने बैन कर दिया है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूँ अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। सर अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि सपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा रोकते हैं। असीम अरोड़ का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहा है? असीम अरोड़ जो आईपीएस रहे, उन्होंने आज रिटायरमेंट किया, टीआरएस लेकर के गए। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई, अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरोड़ अलग चीज है। अनुराग ने असीम को लेकर के ही ये बात कही। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। अनुराग ने असीम को, आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा, आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द, अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरटी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे वर्दी में। यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से, क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी, कोई कल्पना कर सकता है? आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए, और आज के समय पर वो भूले लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी, कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे वहीं पर जमानत जब्त होगी। आप लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं। नहीं, पिछड़े नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग। आप प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव। आप बात समझिए, आप पहले सवाल पूछो फिर फर्क। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जितने भी लोग हैं, जो भी बातें यहाँ आ रही है, पिछड़ों, दलितों और ओबीसी की आ रही है, अभी बात 80-20% की हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं, वो अगड़ों में भी जो गरीब है, वंचित है आर्थिक रूप से या किसी भी, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ये पत्रकार भाई, अब कुछ समझेंगे तुम अभी तक? मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। समझ नहीं पा रहे बात को, तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क था। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात को समझिए, बात को समझिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले, इसके लिए तैयार रहिए आप। आप लोग एक मिनट, आप चुनाव से पहले तैयार रहिए। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है,
और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। का साथ ये बात सच है कि नहीं सच? तो ये हम सब लोग जानते हैं, इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है, टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, गुड़िया घोड़ी जाते हैं। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, वो अपनी जिद कर रहा है। तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो, हम देख तो नहीं कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आप में न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। नहीं ये नहीं कहूंगा मैं, नहीं ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, लेकिन आए नहीं। कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता। भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है। तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? एक महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, और अब वो ट्रेन बेसिकली ट्रेनिंग का ट्रेनर हुआ है, मतलब उनको यहाँ ट्रेनरों ट्रेन किया, अब वो जाकर नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात? और तुम ये बात, ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे हो सकता है। गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे? केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मैं मुझे याद है लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया? उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है। हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था। जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सर एक सवाल ये है, किसी से थोड़ा सा लोग जो है वो तेल छिड़क रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर्फ्यू लगाए अंदर नहीं आ पा रहे हैं, टिकट के लिए मारा मारी है, ओमिक्रॉन की लहर आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन अखिलेश की लहर आ चुकी है सर, अखिलेश यादव की लहर आ चुकी है, उसी की वजह से सब लहरें आ रही हैं। नहीं पता लगा, देखिए कैसे रोक दिया, जहां सड़कों में हमारे साथ लाखों लोग अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ बैठ गए टीवी पे पहुंच के, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव गांव फिजिकली काम करेंगे, ये वर्चुअल हवाबाई लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा प्रदेश में, ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सामान ले गए यूपी का, ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जेएनटीवी, जैन टीवी से, जैन टीवी तो बीजेपी का वही है, जैन टीवी उन्हीं का है, उनका इन्वेस्टमेंट है इसमें, अरे बता दिया करो ना क्या है।
अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, हमारी नौ भी चली जाएगी। ये सच है, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के पास होगी कि गुजरात के लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आज ही जारी करूंगा वो सब फिल्म पिक्चर, सोशल मीडिया पे आई थी वो पिक्चरें कि गुजरात के लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए। मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा।